तो उसका मैनेजर है ना वही ना, एल्विश के भाई लोग को आना चाहिए जिनका घर चलता है, बुरा लगेगा, उनके भाइयों को आना चाहिए। तो ही गाइस कैसे हो सर, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एल्विस यादव, फुकरा इंसान एंड सम्राट भाई के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव का एक बिगेस्ट मीटअप होने वाला है। तो एल्विस यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने बताया कि उनका मीटअप कहाँ और कब होने वाला है, तो आप देख लीजिए ना वो क्या कहे। हाँ जी, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं आ रहा हूँ आपके शहर बहरोड 4 अक्टूबर को, यानी कि कल सुबह 12 बजे डॉक्टर शानू यादव जी का जो एनजीओ है उसके कार्यक्रम में तुम्हारा भाई आ रहा है। तो सारे जने मिलते हैं वहीं पे और सिस्टम हैंग कर देंगे, तो सारे जने 12 बजे पहुंच जाना भाई बहरोड। तो एल्विश यादव ने अपने ब्लॉग वीडियो में बताया कि उनका हेल्थ प्रॉब्लम, तो उसी वीडियो में एल्विश यादव ने किसी को पोक किया, तो आप देख लीजिए ना उनका हेल्थ कैसा है और उन्होंने किसको पोक किया। काम के चक्कर में साढ़े इतने बिजी हो गए, हेल्थ का ध्यान नहीं रहा भाई, समझ रहे हो, रात दिन काम करना। और मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा भाई, अपनी बुराई कर रहा हूँ बल्कि कि मैं पागल हो गया भाई सक्सेस के पीछे, पैसे के पीछे, हम पागल हो गए भाई, इंसान पागल हो गया। जो लोग मतलब सही टाइमली मैनेज करके सारी चीज़ें करते हैं कि इस टाइम इतना काम इतना रेस्ट, बहुत सही हो भाई तुम लोग, तुम्हें सेटिस्फेक्शन है ना लाइफ में, तुम बहुत सही हो भाई। तो चलिए बात कर लेते हैं सम्राट भाई के बारे में। सम्राट भाई ने ट्विटर स्पेस पर बात करते हुए कुछ ये कहा, जब फुकरा इंसान निगेटिव पीआर के ऊपर सामने नहीं आ रहा है तो एल्विस को भी नहीं आना चाहिए, एल्विस यादव के मैनेजर या उनके टीममेट को आगे आना चाहिए। और क्या 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 है आप खुद देख लीजिए। नाम भी नहीं ले रहा तो फुकरा करेगा भी कैसे केस, खैर ठीक है, लेकिन मेरा यही है यार कहना कुल मिला के भाई, देखो जैसे मैंने अभी पीपोए वाली बात क्यों इतनी सीरियस करी थी, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ ये बात कि बिना नाम लिए आप भी समझ सकते हो, कॉन्स्पिरेसी अगर फैले तो किसी के खिलाफ भी कोई हेट। अब मान लो मैं इधर स्पेस में नहीं आता, बीच में आता और रैंडम कहता भाई वीर की रिकॉर्डिंग सुनी, वीर एल्विश को कह रहा था कि मैंने सम्राट और इसका करियर बनाया, तो नो डाउट यार मेरे को बुरा लगेगा, या वीर ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग सुन ले। एक मिनट, मेरा करियर तो किसी और ने बनाया। अरे नहीं मैं कॉन्स्पिरेसी बता रहा हूँ, अगर सुनोगे तो तुम्हें लगेगा ना ऐसा। अब वही बात है कि एक बार बढ़िया एल्विश भाई आए, नहीं आए तो कोई और आए, लेकिन क्लियर करें। अब मैं उठूँ नहीं, फुकरा ही कर रहा है भाई, इनडायरेक्ट हिंट दे दिया। अरे डायरेक्ट दे दे भाई, मेरे जासूस भी तो डायरेक्ट हिंट दे रहा है ना। तो उसका मैनेजर है ना वही ना, एल्विश के भाई लोग को आना चाहिए जिनका घर चलता है, बुरा लगेगा, उनके भाइयों को आना चाहिए। तो एल्विस यादव और फुकरा इंसान के नेगेटिव प्यार पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।